आपने ऐसा क्यों सोच लिया कि आपको राम नहीं मिलेंगे? राम तो आपके हैं, आपको मिलेंगे। मना कौन कर रहा है? उसका नाम बताओ जिसने मना किया। अब दशरथ जी कांप जाए, क्योंकि मना तो उन्होंने ही किया था। राम देत नहीं बनत गोसाई, राम नहीं दे सकता। अब कांपे दशरथ जी। विश्वामित्र जी बोले, कांप क्यों रहे हो? बोलते क्यों नहीं हुआ? अब बोलो। वशिष्ठ जी ने कहा, क्यों दशरथ, तुमने मना किया क्या? अब ये कैसे कहते कि मना नहीं किया? कहे महाराज, इसलिए मना किया था कि मुझे अधिकार नहीं है कि मैं राम को, इसलिए मना किया था। अब क्या सोच रहे हो? तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। बहु विधि समझावा, बहुत प्रकार से समझाया कि ये राम यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं, ये राम ब्राह्मण की रक्षा के लिए आए हैं, ये राम गौ की रक्षा के लिए आए हैं, ये राम पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आए हैं, ये राम भक्तों का कल्याण करने के लिए आए हैं, ये राम संतों का कल्याण करने के लिए आए हैं, ये राम अयोध्या के राजमहल में रहने के लिए नहीं आए हैं, अयोध्या की चार दीवारी के अंदर रहने के लिए नहीं आए हैं, सोने के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, ये राम तो विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये दोहा पहले ही स्पष्टीकरण दे चुका है। बोलो, दे चुका कि नहीं? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गो पार। भ्रमित क्यों हो रहे हो? तुम ज्ञानी हो, वेद विदित हैं, दशरथ नाऊ धर्म धुरंधर गुण निधि, ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी हो, अज्ञानता का परिचय दे रहे हो। अब जैसे ही समझाया वशिष्ठ जी ने, तो विश्वामित्र जी ने तुरंत पोजीशन ले ली।